नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने आगामी 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए जोरदार तैयारियां शुरू की है। इस बीच सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी के विधायकों को टूटने से बचाने के लिए होटलों में बुलाने लगे हैं। तो मॉनसून को लेकर गुरुवार को क्षेत्रीय मौसम विभाग ने आगामी 5 दिन का मॉनसून पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं बंद शासकीय समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र तत्काल शुरू करने की मांग को लेकर किसानों ने तुमसर बपेरा राज्य मार्ग पर सिहोरा के टी पॉइंट पर धान डालकर रास्ता रोको आंदोलन किया। तो उधर पैगंबर मोहम्मद के अपमान मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज शुक्रवार को रैली का आयोजन किया है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने आगामी 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए जोरदार तैयारियां शुरू की है। महाराष्ट्र में फिलहाल 10 सीटों के लिए विभिन्न दलों के 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपना दूसरा उम्मीदवार उतारकर इस चुनावी समर को काफी दिलचस्प बना दिया है। हर दल अपने सभी उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहा है। ऐसा ही दावा शिवसेना राज्यसभा चुनाव में भी कर रही थी। हालांकि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपनी विशिष्ट रणनीति के बदौलत शिवसेना के उम्मीदवार संजय पवार को चुनाव में हार का मुंह देखने के लिए मजबूर कर दिया था। तब एनसीपी पर यह आरोप लगे थे कि उसने बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना को धोखा दिया है, जिसकी वजह से शिवसेना के उम्मीदवार की हार हुई है। अब विधान परिषद चुनाव के पहले भी ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो एनसीपी ने चुनाव में अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए शिवसेना समर्थित निर्दलीय विधायकों पर डोरे डालना शुरू किया है। इतना ही नहीं, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इन विधायकों को फोन किया जा रहा है। उनसे यह कहा जा रहा है कि हमारे उम्मीदवार को जिताने में मदद करें। इस बात पर शिवसेना ने कड़ा ऐतराज जताया है। विधान परिषद के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी के विधायकों को टूटने से बचाने के लिए होटलों में बुलाने लगे हैं। शिवसेना के होटल बदलने की भी खबर है। शिवसेना अब अपने विधायकों को नरीमन पॉइंट से पवई झील के किनारे एक 5-स्टार में ले जाएगी, जहां से 20 जून को मतदान के दिन लेकर आएगी। वहीं बीजेपी कप परेड के उसी होटल में अपने विधायकों को सेवा देगी। राज्यसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को बीजेपी ने जोर का झटका दिया है, उससे सरकार उबर नहीं पाई है। सरकार के लिए विधान परिषद की 10 सीटों पर जीत हासिल करना उनके लिए नाक की बात बन गई है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक में एकजुटता दिखाने की बात सामने आई है। बैठक में कांग्रेस नेताओं का कहना था कि कांग्रेस की दूसरी सीट पर जीत दिलाने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार की है, न कि सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है। दरअसल राज्य के चुनाव में मिली हार से महाविकास आघाड़ी के घटक दल के नेता एक दूसरे से नाराज है। एनसीपी ने भी संकेत दिया है कि जिन्हें अतिरिक्त वोट की जरूरत है वह अपना प्रबंध करे, इससे कांग्रेस नेता नाराज है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने गठबंधन दल के सभी विधायकों को 18 जून से पहले मुंबई पहुंचने को कहा है। मॉनसून को लेकर गुरुवार को क्षेत्रीय मौसम विभाग ने आगामी 5 दिन का मॉनसून पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत 18 जून से कोकण सहित मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसून के अधिक सक्रिय होने का अनुमान है। इसके चलते यहां जोरदार बारिश होने की संभावना है। इस पूर्वानुमान को लेकर बीएमसी आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी की है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार मुंबई में 9 जून से मानसून ने दस्तक दे दी थी। इसके बाद से एमएमआर रीजन में हल्की व मध्यम बारिश हो रही है, लेकिन 18 जून से मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान क्षेत्रीय मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम अधिकारी सुषमा नायर ने बताया कि 18 जून से इन इलाकों में मानसून अधिक सक्रिय होने की संभावना बनी है। इसके चलते इन इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। 20 जून को तो मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए येलो अलर्ट तक जारी किया गया है। मानसून के अलर्ट को देखते हुए बीएमसी आपदा प्रबंधन विभाग ने भी इससे निपटने की तैयारी की है। मानसून में मुंबईकरों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सड़क से लेकर समुद्री बीच तक व्यवस्था की गई है। बंद शासकीय समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र तत्काल शुरू करने की मांग को लेकर किसानों ने तुमसर बपेरा राज्य मार्ग पर सिहोरा के टी पॉइंट पर धान डालकर रास्ता रोको आंदोलन किया। आंदोलन में सैकड़ों किसान बैलगाड़ी लेकर सड़क पर पहुंचे। किसानों ने कहा कि जब तक धान खरीदी केंद्र व वेबसाइट शुरू नहीं की जाती तब तक आंदोलन शुरू रहेगा। कल देर शाम तक किसानों की मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका था। जिला पणन अधिकारी आर पाटिल ने मौके पर भेंट देकर शासन द्वारा किसानों के हित में निर्णय लेने पर उस पर तत्काल रूप से अमल करने की बात कही, लेकिन कुछ ही किसान इस आश्वासन पर शांत हुए। माहौल गरमाया हुआ है, आज भी किसानों में रोष देखा गया।
जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 11 बजे किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया। 2 घंटे का समय बीत जाने के पश्चात भी कोई अधिकारी व प्रतिनिधि किसानों से चर्चा करने नहीं पहुंचा। बाद में जिला मार्केटिंग अधिकारी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक कर्मचारी को भेजा, लेकिन आंदोलनकर्ताओं ने इस प्रतिनिधि से चर्चा न करने का निर्णय लेकर उसे वापस भेज दिया। आंदोलनकारियों ने कहा कि प्रतिनिधि के रूप में सांसद, विधायक व जिला मार्केटिंग अधिकारी जब तक आंदोलन स्थल पर नहीं पहुंचेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। पैगंबर मोहम्मद के अपमान मामले में नूपुर शर्मा के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज शुक्रवार को रैली का आयोजन किया है। यह रैली मदनपुरा के झूला मैदान से लेकर आजाद मैदान तक आयोजित है। इस रैली से पहले ही मुंबई के इमामों ने मुसलमानों से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन न करने की अपील की है। बीते सप्ताह देश के कुछ राज्यों में नूपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों की विरोध प्रदर्शन रैली ने हिंसक रूप ले लिया था। इसके चलते कई मुस्लिम नौजवानों को जेल जाना पड़ा है। इसी बीच कल सुन्नी बिलाल मस्जिद में हुई एक बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमाओं ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उधर रजा अकादमी के संस्थापक महासचिव सईद नूरे ने बताया कि मुसलमान शांतिपूर्वक रैली निकालते हैं, लेकिन कुछ दंगाई किस्म के लोग इस रैली में शामिल होकर इसे हिंसक रूप दे देते हैं, जिसका खामियाजा आम मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। हमारा उद्देश्य नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी है और मुंबई पुलिस ने नूपुर के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। पुलिस ने हमें आश्वस्त किया है कि वह नूपुर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। यूपी रांची के जैसी स्थिति मुंबई में न हो, इसके लिए तहफुज नामुस रिसालत बोर्ड की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि सभी उलेमा जुमे की नमाज में मस्जिदों से मुसलमानों से सड़क पर न उतरकर प्रदर्शन न करने की अपील करेंगे। इस अपील में मुसलमानों से कहा जाएगा कि वे सड़क पर उतरने के बजाय नूपुर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़े। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी और तोड़फोड़ जारी है। तो राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की तरफ से तो कई नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सूत्र मानते हैं कि सत्ता पक्ष हर बार की तरह इस बार भी चौंका सकती है। वही इंदौर में 14 साल की लड़की से 19 वर्षीय युवक के कथित तौर पर जबरिया बाल विवाह के साल भर बाद दूल्हे और मौलवी समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नूपुर शर्मा की जुबान काटने वाले को इनाम देने की घोषणा करने के आरोप में भीम आर्मी के प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को गिरफ्तार किया है। तो उधर झारखंड पुलिस को कई ऐसे मैसेज हाथ लगे हैं जिसमें युवाओं को अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन में शामिल होने का आह्वान किया गया है। देश भर के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी और तोड़फोड़ जारी है। बिहार में आज भी सुबह सुबह ट्रेन जल रही है, कल भी 5 ट्रेनों को फूंक दिया गया था। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी उपद्रवियों के निशाने पर ट्रेनें रही। पूरे उत्तर भारत में अग्निपथ योजना को लेकर नौजवान भारी उत्पात मचा रहे हैं। समस्तीपुर में जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस को फूंक डाला, तो लकीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। वहीं आरा के कुलड़िया में पैसेंजर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा भी बक्सर, बिहिया, आरा, कटिहार, बेगूसराय और बिहटा समेत कई जिलों में बवाल हो रहा है। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम की बिहार में अग्नि परीक्षा जारी है। तीसरे दिन भी आर्मी अभ्यर्थी गुस्से में है। अग्निवीर बनने से पहले ही आग बबूला है। बिहार में इसका असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। लगातार तीसरे दिन नौजवान सड़कों पर उतर गए। बक्सर से शुरू हुआ बवाल आरा और लखीसराय तक पहुंच चुका है। समस्तीपुर और बेगूसराय में भी भारी बवाल हुआ। भोजपुर के कुलड़िया में भी सैन्य अभ्यर्थियों का आंदोलन पूरी तरह उपद्रव बन गया है। आरा पटना रेलखंड के कुलड़िया स्टेशन पर भी एक पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी गई। आरा के कुलड़िया में स्टेशन पर खड़ी सासाराम आरा पैसेंजर ट्रेन की बोगियों में आक्रोशित अभ्यर्थियों ने आग लगा दी। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की तरफ से तो कई नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खुले हैं। साल 2017 में भी जब भाजपा की तरफ से बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद का नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए बतौर उम्मीदवार घोषित किया गया तो लोग चौंक गए थे। बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC नेता ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं की एक बैठक की, जिसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। एक संयुक्त राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामों पर चर्चा करने का फैसला किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वामपंथी विचार विमर्श का हिस्सा जरूर थे, लेकिन ममता बनर्जी के एकतरफा कार्यों से खुश नहीं है। बैठक में 2 नामों का सुझाव दिया गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी और जम्मू कश्मीर के पूर्व CM
फारूक अब्दुल्ला के नाम पर बैठक में चर्चा हुई। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खेमे के बारे में ज्यादा बात नहीं की जा रही है, जिसका चुनाव जीतना लगभग तय है। 21 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वर्तमान सियासी स्थिति को देखते हुए एनडीए बनाम विपक्ष से ज़्यादा एनडीए के संभावित नामों की चर्चा अधिक हो रही है। 2002 में एनडीए ने एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। इस कदम ने विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और टीडीपी जैसे क्षेत्रीय दलों को स्तब्ध कर दिया था। इन्होंने अंततः देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए भारत के मिसाइल मैन का समर्थन किया। उनमें ममता बनर्जी भी शामिल थी। इंदौर में 14 साल की लड़की से 19 वर्षीय युवक के कथित तौर पर जबरिया बाल विवाह के साल भर बाद दूल्हे और मौलवी समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खजराना थाने के प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया कि बाल विवाह 4 जुलाई 2021 को हुआ था और तब दुल्हन की उम्र 14 साल तथा दूल्हे की उम्र 19 साल थी। दर्ज एफआईआर में युवक पर शादी के बाद नाबालिग लड़की को उसके घर में बंधक बनाकर रखने और उसके साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप है। एफआईआर में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के उल्लंघन के आरोपियों में निकाह पढ़ने वाला मौलवी, दूल्हे की मां और निकाह के 3 गवाह शामिल है। बाल विवाह पीड़ित लड़की की एक अस्पताल में चिकित्सकीय जाँच कराई गई है। बाल कल्याण समिति ने पीड़ित लड़की का बयान दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार इंदौर जिले की एक धार्मिक संस्था ने मामले से जुड़े निकाह का प्रमाण पत्र जारी किया था। इस दस्तावेज की भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है, जो कानूनन अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी को 2 वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित सदस्य नुपुर शर्मा की जुबान काटने वाले को इनाम देने की घोषणा करने के आरोप में भीम आर्मी के प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त स्पेशल सेल केपीएस मल्होत्रा ने इसकी पुष्टि की और कहा कि तंवर को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि तंवर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 504, 506, 509 के तहत स्पेशल सेल थाने में 9 जून को एफआईआर दर्ज की गई थी। 8 जून को तंवर ने शर्मा की जुबान काट कर लाने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की और कहा कि शर्मा मुसलमानों और पैगंबर मोहम्मद के साथ साथ दुनिया भर में भारतीयों का अपमान कर रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर नफरत फैलाने के आरोप में नुपुर शर्मा और 30 से अधिक अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा था कि नफरत वाले संदेश फैलाने, विभिन्न समूहों को उकसाने और सार्वजनिक शांति को भंग करने की हानिकारक स्थिति पैदा करने के लिए विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मल्होत्रा ने कहा कि साइबर स्पेस में अशांति पैदा करने के इरादे से झूठी और गलत जानकारी को बढ़ावा देने से सोशल मीडिया संस्थाओं की भूमिका की जाँच करने वाले कई व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को उपद्रव के दौरान पुलिस फायरिंग में 2 युवकों की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कुछ उपद्रवी तत्व युवाओं को भड़काने में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को कई ऐसे मैसेज हाथ लगे जिसमें युवाओं को अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन में शामिल होने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा जिहाद छेड़ने की बात भी है। पुलिस आशंका जता रही है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले यूजरों का कनेक्शन देश के बाहर बैठे आतंकी संगठनों से हो सकता है। रांची में साइबर सेल ने यूजरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। रांची पुलिस ने कई मोबाइल नंबर भी चिन्हित किए हैं। इनको जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों के पास भेजा गया है। पुलिस को सोशल मीडिया में यूजर ITZ अरमान किंग्स 987 के कई इंस्टाग्राम पोस्ट मिले हैं। इसके अलावा पुलिस को नूर मोहम्मद नाम के एक यूजर का भी पोस्ट मिला है। इसमें एक पक्ष के लोगों से जिहाद का आह्वान किया गया है। वहीं जावेद असलम नाम के एक और यूजर का भी इसी तरह का मैसेज मिला है। उसने भी अपने मैसेज के जरिए जिहाद छेड़ने की अपील की है। पुलिस की साइबर सेल की टीम को कई और भी अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। रांची पुलिस के साइबर सेल ने नूर मोहम्मद का आईपी एड्रेस निकाला है। इससे पता चला है कि नूर मोहम्मद यूपी का रहने वाला है। रूस की सेना और इंटेलिजेंस के पूर्व अधिकारी ने चेतावनी दी है कि व्लादिमीर पुतिन अगर यूक्रेन में हारे तो उनका अंजाम मुअम्मर गद्दाफी जैसा होगा। वही एक अहम फैसले में अमरीकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को गोलियों से भूनने वाले अपराधी जॉन हिंकले को कोर्ट ने पूरी तरह बरी कर दिया है। तो उत्तर कोरिया में कोरोना के कहर के बीच आंतों की एक बीमारी से नई महामारी फैल रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सुरक्षा विशेषज्ञ राधा अयंगर प्लम को पेटांगन के एक टॉप पोस्ट के लिए नामित किया है।
तो उधर पाकिस्तान में रहने वाले चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमलों को देखते हुए पाक सरकार ने बिना जानकारी उनके मूवमेंट पर रोक लगा दी है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। व्लादिमीर पुतिन अगर यूक्रेन में हारे तो उनका अंजाम मुअम्मर गद्दाफी जैसा होगा। रूस की सेना और इंटेलिजेंस के पूर्व अधिकारी ने यह चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन को उनके आसपास के लोग एक कमजोर नेता मान रहे हैं। पुतिन शिकारियों से घिरे हुए हैं। जल्द ही वह पुतिन पर हमला करेंगे। लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को विद्रोहियों ने पकड़कर गोली मार दी थी। रूस के पूर्व सैन्य अधिकारी इगोर गिरकिन ने कहा कि बीमार पुतिन बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, जो युद्ध जीतने के लिए अच्छा नहीं है। पुतिन को टीम में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर चीज में नाकामियां भी हासिल की है। इगोर रूसी सेना में कमांडर रह चुके हैं। पुतिन को क्रीमिया पर कब्जा करने में इन्होंने मदद की थी। एक वीडियो में इगोर ने कहा कि खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल हुआ है, राजनीतिक तौर पर भी और सैन्य तौर पर भी। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि रूसिया लीबिया बनता जा रहा है, जहाँ हर कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। उन्होंने ये भी संभावनाएं जाहिर की कि पुतिन सीबिया के पूर्व राष्ट्रपति स्लोबोडन मिलोसेविक की तरह भी मारे जा सकते हैं। स्लोबोडन मिलोसेविक पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया गया था। 2006 में वह अपनी जेल में मृत पाए गए थे। हालांकि इगोर की इस चेतावनी को लेकर विशेषज्ञ भी कहते हैं कि ऐसी स्थिति की कल्पना ही की जा सकती है, और यह कल्पना सच भी हो जाए तो उसके पहले दुनिया के कई देश तबाह होंगे, क्योंकि पुतिन उस हालत में कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को गोलियों से भूनने वाले अपराधी जॉन हिंकले को कोर्ट ने पूरी तरह बरी कर दिया है। 40 साल से भी अधिक समय तक कड़ी निगरानी में कैद रहे हिंकले ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट में लिखा है कि 41 साल 2 महीने 15 दिन बाद अब आकर आज़ादी मिली। जॉन हिंकले की उम्र अब 67 हो चुकी है। उससे वॉशिंगटन के एक होटल के बाहर रीगन और 3 अन्य लोगों को रिवॉल्वर से गोली मार दी थी। हिंकले ने कहा कि वह अभिनेत्री जोड़ी फोस्टर को प्रभावित करना चाहता था। दरअसल वह जोड़ी फोस्टर की फिल्म टैक्सी ड्राइवर को देखकर उसका दीवाना हो गया था। जिन 4 लोगों को हिंकले ने गोली मारी वह सभी बच गए थे। घटना 30 मार्च सन 1981 की है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन डीसी में एक समारोह में हिस्सा लेने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच कार में बैठने वाले थे। तभी अचानक भीड़ से निकलकर जॉन हिंकले ने रीगन के ऊपर 22 बोर की लॉग राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जॉन द्वारा चलाई गई 5 गोलियों से बचे रीगन उसकी अंतिम गोली से नहीं बच पाए। आखिरी गोली उनकी बुलेट प्रूफ कार के शीशे से टकराने के बाद सीने में जा घुसी। इस घटना के बाद रीगन को हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि कुछ दिनों के इलाज के बाद रीगन स्वस्थ हो गए। 5 जून 2004 को उनकी किसी बीमारी से मौत हो गई। उत्तर कोरिया में कोरोना के कहर के बीच आंतों की एक बीमारी से नई महामारी फैल रही है। उत्तर कोरिया पहले से ही कोरोना के प्रकोप और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस बीच आंतों की इस बीमारी ने लोगों को और ज्यादा डरा दिया है। आंत की इस बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज दक्षिण पश्चिमी हेजू शहर में मिले हैं। हालांकि इससे संक्रमितों की संख्या फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इस बीच किम जोंग उनकी पत्नी के साथ दवाइयों को देखते नजर आए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया को 2-2 महामारियों से बचाने के लिए किम जोंग उन पर पूरा जोर लगा रहे हैं। उत्तर कोरिया की आधिकारिक न्यूज एजेंसी ने नई बीमारी का नाम नहीं बताया, लेकिन इसे एंटेरिक कहा है। ये आंतों से संबंधित बीमारियां होती है, जैसे टाइफाइड, पेचिस और हैजा। ये बीमारियां दूषित भोजन, पानी में कीटाणु, संक्रमित लोगों के मल के संपर्क में आने के कारण होती है। हालांकि वैज्ञानिकों को शक है कि उत्तर कोरिया में फैल रही आंतों की बीमारी टाइफाइड, पेचिस और हैजा से भी ज्यादा खतरनाक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तर कोरिया में खसरा या टाइफाइड का प्रकोप असामान्य नहीं है। विडंबना ये है कि वहाँ एक संक्रामक बीमारी का प्रकोप है, लेकिन उत्तर कोरिया इसका उपयोग इस बात पर जोर देने के अवसर के रूप में कर रहा है कि किम अपने लोगों की देखभाल कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सुरक्षा विशेषज्ञ राधा अयंगर प्लम को पेटांगन के एक टॉप पोस्ट के लिए नामित किया है। राधा मौजूदा वक्त में अमेरिकी रक्षा उपमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रही है। राधा को 15 जून को डिफेंस फॉर एग्जीबिशन एंड सस्टेनमेंट के डिप्टी अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए नामित किया गया है। चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले राधा गूगल में ट्रस्ट और सेफ्टी के लिए रिसर्च एंड इंसाइट्स की डायरेक्टर थी,
और बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस तथा तकनीकी रिसर्च संबंधी टीम का नेतृत्व कर रही थी। राधा ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर कई वरिष्ठ पदों पर भी अपनी सेवाएं दी है। एक महीने में किसी भारतीय अमेरिकी के लिए इस तरह का तीसरा नामांकन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन सरकार गौतम राणा को स्लोवाकिया में अमेरिकी राजदूत नामित करने वाले हैं। इससे पहले जो बाइडेन ने रचना सचदेवा को माली में अपना दूत नामित किया था। मार्च 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दो भारतीय मूल के अमेरिकियों को अमेरिकी दूत के रूप में नामित किया था। उन्होंने पुनीत तलवार को मोरक्को और शेफाली राजदान दुग्गल को नीदरलैंड में अपना दूत नामित किया था। इससे अमेरिका में भारतीयों के वर्चस्व के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि सूत्र मानते हैं कि इससे अमेरिकियों में अगर गलत संदेश भी जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में रहने वाले चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमले को देखते हुए पाक सरकार ने बिना जानकारी उनके मूवमेंट पर रोक लगा दी है। इस्लामाबाद में लगभग 1000 चीन के नागरिक रहते हैं। यहाँ रहने वाले चीनी नागरिकों को कहीं भी आने जाने से पहले पुलिस को जानकारी देनी होगी। विदेशी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर इस्लामाबाद पुलिस की एक बैठक में यह फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में 3 दर्जन प्रोजेक्ट्स से जुड़े लगभग 1000 चीनी नागरिक रहते हैं। चीन और पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़े चीन के नागरिकों को अर्धसैनिक बल सुरक्षा देते हैं। बैठक में अब यह फैसला किया गया है कि SHO और पेट्रोलिंग डिवीजन चीन के नागरिकों को सुरक्षा देंगे और जब वे कहीं जाएंगे तो उनके साथ रहेंगे। SHO को उनकी डिटेल पता करने का भी काम सौंपा गया है। पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किस समय कौन उनकी सुरक्षा में रहेगा। जहां चीन के नागरिक रहेंगे वहां आसपास CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। उनके घरों को जाने वाले रास्तों में भी CCTV लगाए जाएंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कराची यूनिवर्सिटी के बाहर एक बुर्का पहने महिला ने आत्मघाती हमला किया था। वह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से थी। इसमें 3 चीनी शिक्षकों की मौत हो गई थी। कई मौकों पर BLA ने चीनी नागरिकों को निशाना बनाया है। इसे लेकर यह गंभीर कदम उठाया गया है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।